रतलाम शहर के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के रेलवे पटरी के पास स्थित जी सेक्टर के मैदान में बच्चे को जिंदा गाड़ने की खबर से सनसनी फैल गई। पुलिस अधिकारी व जवान तत्काल मौके पर पहुंचे और गड्ढा खुदवाया तो उसमें बकरी का एक मृत बच्चा मिला। बकरी का बच्चा निकलने के बाद पुलिस व लोगों ने भी राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर करीब 2:45 बजे कुछ बच्चे मुंबई रेल लाइन के पास स्थित दीनदयाल नगर जी सेक्टर क्षेत्र में रेलवे पटरी से लगे ईंट भट्ठों के पास मैदान में खेलने पहुंचे थे। मैदान में एक स्थान पर कुछ बड़ा बना देखा। इसी बीच बच्चों ने आसपास के क्षेत्र में जाकर कुछ लोगों को बताया कि वहां गड्ढा खोदकर इंसान के बच्चे को जिंदा गाड़ा गया है तथा बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। आसपास के लोग यह सुनकर तत्काल बच्चों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां किसी को दफनाने जैसा स्थल दिखाई दिया। इस पर उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। दीनदयाल नगर के थाना प्रभारी जितेंद्र कनेस, SI शांतिलाल चौहान व कुछ जवानों को तत्काल मौके पर पहुंचे। मीडिया कर्मी व अन्य लोग भी पहुंचे। पुलिस ने वहां तत्काल गड्ढे को खुदवाया। कुछ स्थल खोदने पर पहले तो लाल कपड़ा व नमक की पोटनी आदि दिखाई दी तो लगा कि वास्तव में वहां इंसान का बच्चा गड़ा हुआ होगा, लेकिन जब गड्ढे को ज्यादा गहरा खुदवाया गया तो उसमें काले रंग का बकरी का बच्चा मृत अवस्था में दिखाई दिया। उसे बाहर निकलवा कर वापस वहीं पर दफन करवा दिया गया। ये क्या मामला था और आज क्या क्यों आए थे आप यहाँ? एक सूचना मिली थी कि टाटा नगर में या पटरी के पास में बच्चे, नवजात बच्चे के रोने की आवाज आई है और किसी ने गड्ढे के पास में आवाज सुनी है, तो उसकी तस्दीक करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे गड्ढे में लोग बोल रहे हैं कि गड्ढे में बच्चा गाड़ा हुआ है करके बताया गया था, तो जिस पर से खोदा गया तो वो बकरी का बच्चा मरा हुआ मिला। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है, मनुष्य का कोई बच्चा नहीं है। गलत सूचना थी।